मैं आपका, आपके इदारे का, आपके अखबार का मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और मैं अपने ख्यालात का आगाज इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशन में कोई इस एक्सीडेंटली नहीं आया। मैं इस प्रोफेशन में अपने वालदैन की ख्वाहिश के मुताबिक आया हूँ। हमारे दौर में जब लड़का मिडिल पास करता था और जब नाइन्थ क्लास में जाता था तो उस वक्त हेडमास्टर जो था वो पेरेंट्स से पूछता था कि बच्चे को आपने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या वकील बनाना है। तो मेरे वालदैन ने कहा कि हम इसको अपना वकील बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे खानदान में प्रोफेशन में अजीज वकार पुलिस में भी रहे हैं, तालीमी इदारों में भी रहे हैं, वकील भी रहे हैं। तो ये बच्चा हमें लगता है कि ये वकील बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करेगा। तो मैं उस वक्त से 67 से वकील बना था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की कोशिशों से 45 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए। इस अरसे में मैं 5 साल के लिए मीडिया ट्रिब्यूनल का इस्लामाबाद में चेयरमैन रहा और उसमें इस इदारे में मैंने अखबारी मुलाजमीन की जो खिदमत कर सकी उनके लिए, जो वफादात के लिए काम कर सकता था, वेज बोर्ड को इम्प्लीमेंट करवाया और वेज बोर्ड के मुताबिक मैंने उनकी तनख्वाहें दिलवाई। ये प्रोफेशन जो हमारा है ये इसमें दो लोगों का हिस्सा होता है। नंबर एक तो सियासतदान इसमें हिस्सा लेते हैं, नंबर दो प्रोफेशनल वकील इसमें हिस्सा लेते हैं और दोनों का मकसद अवाम की खिदमत करना होता है। सियासतदान भी अवाम की खिदमत करते हैं, अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं, उसके लिए तदारक करते हैं और उसके लिए असम्बली में जाते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ फोरम इख्तियार करते हैं, उसके लिए प्रेस मीडिया इख्तियार करते हैं और इसी तरह वकला हजरात जो है वो अदालतों में उन लोगों का दिफा करते हैं जिनके हकूक दूसरे लोग गज़ब कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के बानी एडवोकेट जनरल भी एडवोकेट थे जिन्होंने लिंकन जन में इसलिए दाखिला लिया कि वहाँ पे हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था और उन्होंने कहा कि ये जो एक ऐसे इदारा है यहाँ पे हमारे नबी का नाम लिया हुआ है और उन्होंने वो दाखिला लेके बैरिस्ट्री करके फिर वकालत शुरू की और उन्होंने अपने कैरियर में इतने अच्छा नाम पैदा किया और वो एक बहसीत वकील उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। इस तरह अलामा इकबाल भी वकील थे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अपनी सियासत का आगाज करने से पहले वो भी वकील थे और उसके बाद फिर वो सियासत में आ गए। तो मैं समझता हूँ कि वकील और सियासतदान एक इसी पेशे से निकलते हैं और इसी पेशे से ही जाके कानून बनाते हैं और असम्बली में बैठ के लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। कि अब इस प्रोफेशन में सिचुएशन बहुत हो गई है, वकला इस तादाद में आ रहे हैं, उसकी एक तो वजह है कि बेरोजगारी है, लोगों को मुलाजमतें नहीं मिल रही और दूसरा जो है इसमें लोग समझते हैं कि चार्म बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है। हालांकि जो सही मायने में वकील हैं, जो मेहनत करने वाले वकील हैं, उनके पास वो उस हिसाब से पैसा नहीं आता। मैंने पिछले दिन बैठ के अपने जो हमारा एक छोटा कमरा है जहाँ सीनियर बैठते हैं वहां मैंने तजवीज दी थी कि सीनियर्स को अब आना चाहिए, लेकिन चूंकि इलेक्शन एक कमर्शियल हो गया है, सीनियर्स पैसा खर्च नहीं कर सकते ना उनके पास इतनी तरह पैसा होता है। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें मुख्तलिफ तंजीमें भी सपोर्ट करती हैं जो मेरे इलम में आया है, मुख्तलिफ ताजर हजरात भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं अपने मुफादात हासिल करने के लिए, अपने अपने प्रोडक्शन के लिए और अपने आप को आपको तहफ़ देने के लिए। कि हमारे चैम्बरों के आगे, चैम्बरों के पीछे, बाहर हाल में गेट पर भिखारी लोग, जो भिखारी नहीं होते, जो गर्जमंद नहीं होते, जरूरतमंद नहीं होते, उन्हें सड़कों पर बिठा दिया जाता है। ठेकेदार आकर उनको सड़कों में बिठा जाते हैं, ठेकेदार आकर उनको बाहर में छोड़ जाते हैं। वही लोग सुबह को कचहरी में होते हैं, वही लोग शाम को गुलगश्त में होते हैं, वही लोग शाम को कैंट में होते हैं, वही भिखारी आपको हुसैनगंज बाजार में नजर आएंगे, घंटागर बाजार में नजर आएंगे। ये एक तंजीम है उनकी, मैं समझता हूँ कि वो जो ठेकेदार है उन्हीं लोगों को कभी किसी जगह पे खड़ा कर देता है, कभी किसी जगह पे खड़ा कर देता है। हुकूमत तो कहती है कि हम बैगिंग के खिलाफ एक सिस्टम चलाई हुई है, बैगर को पकड़ के वो गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते हैं, लेकिन चंद दिन के बाद या दूसरे दिन बाद वही लोग फिर बैगर हजरात सड़क पे आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत तो वैसे कुछ नहीं कर रही, ना आवाम के लिए कर रही है, ना कौम के लिए कर रही है,
ہر روز اے مہنگائی ہو رہی ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, عوام کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر رہے, تو اس کی وجہ سے کچھ جو ضرورت مند ہیں جنہیں خراج ملنی چاہیے, جنہیں امداد ملنی چاہیے, وہ امداد بند کر دی گئی ہے. بے نظیر پروگرام سپورٹ تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے, لیکن دیکھا جائے تو جو بغیر حضرات ہیں, جو بھکاری لوگ ہیں, وہ جیب تراشی بھی وہی کرتے ہیں, دن میں بے بیگر کی صورت میں پھرتے ہیں, اور رات کو گھروں کو لوٹتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, چکاریاں کرتے ہیں. تو اس کا حکومت کے پاس اگر کوئی علاج نہیں ہے تو پھر میری بار کو چاہیے کہ بار کو ایسا قانون بنا دے اپنی بار کا یا شہر کے لیے, تاکہ ان لوگوں کا خاتمہ کیا جا سکے, اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی صحیح معنی امداد کی جا سکے.